क्वेश्चन में एक ऐसे कंपटीशन की बात हो रही है जहां कुछ विनर्स हैं, कुछ नॉन विनर्स हैं। विनर और नॉन विनर का प्राइस गिवन है और टोटल प्राइस मनी आ गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ विनर्स जब टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है 63। तो टोटल पार्टिसिपेंट्स होंगे नंबर ऑफ विनर प्लस नंबर ऑफ नॉन विनर। अब हमें नंबर ऑफ विनर फाइंड करना है, तो हम नंबर ऑफ विनर को एक्स ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 गिवन है, तो अब यहां से नंबर ऑफ नॉन विनर हमें मिल जाएगा 63 माइनस एक्स। अब यहाँ विनर का प्राइस हमें 100 गिवन है, तो अब अगर एक विनर है तो उसका प्राइस मनी होगा 100। दो है तो टोटल विनर का प्राइस मनी होगा 2 × 100, 200। अब अगर एक्स नंबर ऑफ विनर्स हैं तो प्राइस मनी हो जाएगा x × 100, विच इज 100x। तो विनर का टोटल प्राइस मनी आ गया 100x। सिमिलरली नॉन विनर का प्राइस है 25। अगर एक नॉन विनर है तो 25 प्राइस, दो है तो 2 × 25 50। अब अगर 63 माइनस एक्स है तो 63 माइनस x × 25 हो जाएगा टोटल प्राइस मनी ऑफ नॉन विनर। अब यहाँ टोटल प्राइस मनी गिवन है, टोटल प्राइस मनी होगा विनर का प्राइस मनी प्लस नॉन विनर का प्राइस मनी। अब विनर का प्राइस मनी है 100x और नॉन विनर का है यहाँ 63 माइनस x × 25, टोटल 3000 गिवन है। तो अब हमें ये इक्वेशन मिल गया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा। पहले इतना लिख लेते हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ विनर है एक्स, नंबर ऑफ नॉन विनर है 63 माइनस एक्स। अब प्राइस मनी ऑफ विनर है x × 100, 100x। सिमिलरली नॉन विनर का है 63 माइनस x × 25। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा 63 × 25 माइनस 25 × x, तो ये हमारा आ जाएगा 1575 और ये हो जाएगा 25x, तो हमें मिल गया 1575 माइनस 25x। अब यहां से हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे, 100 माइनस 25 प्लस 1575 इज इक्वल टू 3000। 100 माइनस 25 होता है 75, तो 75x प्लस 1575 इज इक्वल टू 3000। अब इस कांस्टेंट को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस होगा, 75x आ जाएगा 3000 माइनस 1575। अब 3000 माइनस 1575 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, यहाँ 4 और यहाँ 1, तो 75x आ गया 1425। अब यहाँ 75 मल्टीप्लाइड है, राइट हैंड साइड डिवाइड होगा, x आ जाएगा 1425 बाय 75। अब ये दोनों 5 से कैंसिल होंगे, ये होगा 5 1 5, 5 5 25, और ये होगा 5 2 10, 5 8 40 एंड 5 5 25। अब फिर से दोनों 5 से कैंसिल होंगे तो ये 5 3 15 और ये होगा 5 5 25, 5 7 35, x आ गया 57/3। अब 57 और 3 दोनों 3 से कैंसिल होंगे, तो 3 1 3 एंड 3 19 57, तो x की वैल्यू आ गई 19। पर हमें विनर्स फाइंड करना था और विनर x था, तो नंबर ऑफ विनर आ गया 19।